गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने टिकट एल्बम चैप्टर नंबर 9 किया था, जिसके उसको रीड किया था, उसके मैंने आपको समरी बताई थी। तो आज हम उससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और टेक्स्टुअल क्वेश्चन हम उसके करेंगे। शायद उनके जो है हमारे पास वर्ड मीनिंग है वो भी रहते ही हैं। तो पहले हम लेते हैं चैप्टर का नेम, पाठ नंबर 9, टिकट एल्बम। टिकट एल्बम, इसके जो लेखक हैं वो हैं सुंदरा राम स्वामी। सुंदरा राम स्वामी, इसमें बताया था कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से जो है व्यक्ति को हर्जाना तो देना ही पड़ता है, उसके मन में घबराहट होती है, उसका मन बेचैन होता है, शरीर जलने लगता है और उसे जो उसके पास जो चीज़ होती है उसको अपनी चीज़ को देकर उसकी भरपाई करनी पड़ती है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था नागराजन और राजप्पा के बारे में। तो स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं अति लघु प्रश्न। लघु प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला, और क्वेश्चन मैंने आपको उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब कहानी की मैं स्टोरी बता रही थी, मैंने बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स बताए थे उसके भी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि नागराजन को एल्बम किसने वह कहाँ से भिजवाया। यानी कि नागराजन को एल्बम लिखिए, उत्तर आ जाएगा उसके मामा जी ने सिंगापुर से, उसके मामा जी ने भिजवाया था। और कहाँ से भिजवाया था? सिंगापुर से भिजवाया था। ठीक है बेटे, सेकंड क्वेश्चन है, नागराजन के एल्बम के आ जाने के बाद नागराजन के एल्बम के आ जाने पर सभी राजप्पा के एल्बम को क्या कहते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। क्या कहते थे? फिसड्डी। क्या जाएगा? फिसड्डी मीन्स बेकार, जिसे का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, बेकार है वो, उसको और काम में पीछे रहने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि नागराजन का पूरा नाम क्या था? उत्तर लिखिए A.M. नागराजन।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। यहाँ पर स्पेस कम ही रहेगा शायद, ऊपर ही लिख देते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नागराजन क्यों रो रहा था? उत्तर लिखिए, उसका एल्बम खो गया था, इसीलिए नागराजन रो रहा था। फिर लिखिए, नागराजन को राजप्पा की किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? राजप्पा की किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? किस बात पर नहीं हो रहा था? कि वह उसे अपना एल्बम, वह नागराजन को अपना एल्बम दे रहा था। देखिए, राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को दे रहा था, इस बात पर नागराजन को विश्वास नहीं हो रहा था। सिक्स्थ है, नागराजन के पिताजी कहाँ काम करते थे? तो लिखिए, मैंने बताया था ना कि जब अप्पू उसके घर पे आया था, राजप्पा के घर पर, और उसने उसको बताया था कि जो राजप्पा नागराजन है उसके पिताजी क्या करते हैं, DSP के दफ्तर में काम करते हैं, वो चाहे तो पुलिस की फौज इकट्ठी कर सकते हैं। बताया था कल के वीडियो लेक्चर में, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो पहले वीडियो लेक्चर देखे। आपको जितने भी आज मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि नागराजन के पिताजी कहाँ काम करते थे। लिखिए, DSP के दफ्तर में। ठीक है, ये थे इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। प्रश्न अभ्यास हम कर रहे हैं जो आपके बुक के पीछे एक्सरसाइज दी है। वैसे तो अगर आप किसी चैप्टर के बीच में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि बेटे आपने आपको स्टोरी बता दी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हम क्या लिखते हैं कि नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नागराजन के एल्बम के प्रथम पृष्ठ लिख दीजिए या मुख्य पृष्ठ, पृष्ठ होता है पेज, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पेज। मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था?
कक्षा की लड़के व लड़कियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर लिखिए, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, किसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था, लिखिए नागराजन के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, चुराने वाला बेशरम है। नागराजन के मामा जी ने नागराजन के मामा जी ने एल्बम चोरी न हो जाए इसलिए लिखा था, उस पर कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। तो देखिए, कक्षा की लड़की वे लड़कियों पर कक्षा के लड़के व लड़कियों पर एल्बम पर लिखी पंक्तियों का यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी कॉपी में उसे उतार लिया, कॉपियों में उसे उतार लिया। ये था दो क्वेश्चन, इसके अंदर घबराना नहीं है, कभी आप लोग डर जाओ कि यहाँ पर जो है मैम ने इतना बड़ा आंसर लिखवा दिया, नहीं, इसके अंदर दो क्वेश्चन है कि नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और कक्षा के लड़के व लड़कियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के ये आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने पर राजप्पा की दशा कैसी थी, दशा मीन्स उसकी जो स्थिति है वो कैसी थी, दशा मैंने स्थिति उसकी जो हालत है वो कैसी थी। उत्तर लिखिए, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने पर राजप्पा मन ही मन
मन ही मन नागराजन से चलने लगा। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो क्या आता है बेटे, देखिए कि एल्बम चुराते समय राजप्पा की किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, यानी कि उसके मन पर क्या गुजर रही थी। मैंने आपको कहानी में जब भी मैं आपको उसके पाठ की स्टोरी बता रही थी, जब भी मैंने आपको बताया था कि हम कोई गलत काम करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए राजप्पा का उत्तर लिखिए, एल्बम को चुराते समय राजप्पा का मन तेजी से धड़क रहा था, तेजी से धड़क रहा था, उसे लग रहा था कि वह गलत काम कर रहा है। वह पूरी तरह से घबरा गया था। ये थे आपके तीन क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम कल करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आप इस को उतार लीजिए और जो बाकी के दो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम कल करेंगे। अगर आप बोलते तो डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा क्या बनता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बनेगा कि टेक्स्टुअल क्वेश्चन बोल रहे हैं, अभ्यास के प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि नागराजन ने एल्बम को अंगीठी में क्यों डाल दिया। ये आप वीडियो लेक्चर से भी आप कर सकते हैं हेल्प से, कि इसमें मैंने साफ साफ बताया कि पुलिस से बचने के लिए, ताकि पुलिस उसको पकड़ ना ले, इससे पुलिस से बचने के लिए नागराजन ने क्या किया था, अपने एल्बम को, नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया था राजप्पा ने। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या, कि राजप्पा के एल्बम की टिकट एल्बम की तुलना मधुमक्खी से क्यों की गई है। ये भी आपको पता ही है कि जिस प्रकार मधुमक्खी, ये भी कल मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज़ देखना उसको अच्छे से, सुनना ध्यान से। तो कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक फूल पर बैठकर शहद इकट्ठा करती है, ठीक उसी प्रकार राजप्पा ने भी एक एक टिकट बहुत मेहनत से इकट्ठा किया, इसीलिए राजप्पा की टिकट की तुलना किससे की है, मधुमक्खी से की है। तो फ्रेंड्स इनका हम आंसर कल लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर नोटबुक में लिख लें। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग भी हम कल डिस्कस करेंगे और दो क्वेश्चन जो बचते हैं उनको हम करते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।